स्वागत है आप सभी का भारत के पहले नेशनल क्रिएटर अवार्ड में, जो कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हो रहा है। तो फाइनली हमें भारत मंडपम में एंट्री करने के लिए पास मिल चुका है। आइए चलते हैं भारत मंडपम के अंदर। हर तरफ छोटे से बड़े क्रिएटर्स मौजूद हैं। ये है भारत मंडपम में सुबह के खूबसूरत नज़ारे, और ये वही जगह है जहां पर भारत ने G20 सम्मेलन को होस्ट किया था। भारत मंडपम बेहद ही खूबसूरत है। इस नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड में आमंत्रित करने के लिए भारत सरकार को धन्यवाद। तो आइए चलते हैं ऑडिटोरियम में। वाह, काफ़ी बड़ा ऑडिटोरियम है और लगभग पूरे भारत मंडपम में 3000 के आसपास क्रिएटर्स मौजूद हैं। तो आप सब बने रहिए हमारे साथ और देखिए नेशनल क्रिएटर अवार्ड को हमारे साथ इस वीडियो के जरिए। देखिए, जब भी आप YouTube पे जाते हैं तो आपको जब भी मेन वीडियो देखना होता है, जिसके लिए आप एक्चुअली YouTube पे जाते हैं, उसके पहले एक दो एड झेलने पड़ते हैं। आज का एड मैं हूँ तो, और वो एड जो आप स्किप भी नहीं कर सकते, तो आपको ये 10 मिनट सुनना ही पड़ेगा। मैंने बहुत कुछ किया लाइफ में। मैं इंजीनियर था, देन आई वर्क विद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, आई वर्क विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, आई वर्क विद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, आई डिड MBA, आई डिड ब्रांड मैनेजमेंट, आई डिड एक्टिंग, आई डिड स्टैंड अप, बट वन थिंग आई लव द मोस्ट इज क्विजिंग। तो आज हम शुरू करने वाले हैं आज का शो विद थोड़ा सा, एक छोटा सा 10-12 मिनट का प्यारा सा क्विज। और क्विज सिर्फ एक बहाना है, आइडिया है टू नो द क्रिएटर्स हु आर ऑल हियर, हु आर दैट हैज मेड द स्ट्रीट फूड ऑफ दिस सिटी पॉपुलर वर्ल्ड वाइड बिकॉज ऑफ इट्स डिलेक्टेबल एंड एपेटाइजिंग। शानदार कंटेंट, बढ़िया खाना, ये है। थैंक यू सो मच अमृतसर वॉकिंग टूर फॉर क्रिएटिंग दिस फॉर ऑल ऑफ अस टू वॉच, हु इज ऑल अबाउट मेकिंग ट्रैवल सस्टेनेबल एंड क्रिएट्स ग्रेट कॉन्टेंट। वेरी नाइस, थैंक यू पूर्वा जोशी। आज हमारे ऑडियंस में पूर्वा जोशी, वन ऑफ द बेस्ट क्रिएटर्स इन द कंट्री इज विद अस राइट नाउ। वाह, ओके, इन पर्सन और भी अच्छे लगते हैं। विद 5 sisters इंक्लूडिंग वन हु अपीयर्ड इन टाइम टू डांस ऑन नेटफ्लिक्स, वी एक्सपीरियंस्ड अ नॉमेडिक लाइफस्टाइल। अरे एक सेकंड, कैटरीना कैफ, ये सुना है आप लोगों ने, देखा है, सुना है? ओके, गुड। प्लीज अपनी खूबसूरत शक्ल पूरी दुनिया को दिखाएं। प्लीज लेट्स डू दिस, राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर गोविंद कौशल। जब ये रील बनाते हैं तो वायरल हो जाती है, जब ये ट्वीट करते हैं तो वो ट्रेंड बन जाता है, जब ये रेडियो शो पे जाते हैं तो वर्ल्ड का नंबर 1 रेडियो शो बन जाता है, जब ये कोई स्लोगन देते हैं तो वो हैशटैग बन जाता है। ही डज नॉट राइट द ट्रेंड, ही इज द ट्रेंड। लेडीज एंड जेंटलमैन, जॉइन योर हैंड्स टुगेदर फॉर द इन्फ्लुएंसर ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स, द ओजी, द गोट, हु इज मेकिंग द इंडियन ड्रीम पॉसिबल फॉर मिलियंस ऑफ इंडियंस, द क्रिएटर ऑफ न्यू भारत, ऑनरेबल PM नरेंद्र मोदी जी।
कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने इन पुरस्कारों के लिए चार सदस्य ज्यूरी में से दो माननीय सदस्य हमारे बीच उपस्थित हैं। द फर्स्ट कैटेगरी द अवार्ड फॉर द न्यू इंडिया चैंपियन, द अवार्ड गोज टू अभी एंड न्यू। Pioneers in shaping the perspective of New India. The insightful content and wide range of topics, they have raised awareness for New India. बहुत सारी पॉजिटिव बातें हैं जो पूरी दुनिया तक पहुंचना आवश्यक है ताकि हमारी जो नई पीढ़ी है वो हमारे नए भारत से रूबरू हो पाए। तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना हमें जो दिखता है वो पूरी दुनिया के सामने लाए। इसीलिए ये थोड़ा साहस करता है। मैं भी पब्लिक मीटिंग में जाता हूँ और जब आर्थिक विषय और आंकड़े बोलता हूँ तो मैं देख रहा हूँ लोगों को नींद आना शुरू हो जाती है। कुछ हल्की फुल्की बातें करते हैं तो मजाक, मीडिया वाले भी रिपोर्ट में सीरियस नेचर की बात करूंगा तो कभी नहीं करते, वो हंसी मजाक की कोई बात होगी तो बढ़िया रिपोर्ट करते। आपको नहीं लगा कि आपका विषय इतना ड्राई है कैसे लोग इंटर लेंगे? नहीं, जैसे आप एनर्जी के साथ 8% एनर्जी से अगर हम बात कर पाए। बहुत शुभकामनाएं, बहुत सेवा करते रहिए। आपने फिर चैलेंजिंग चुना है लेकिन देश के लिए बहुत जरूरी है, मेरे तरफ से बहुत बधाई। एंड द अवार्ड गोज टू कीर्तिका गोविंदस्वामी, नोन एज कीर्ति हिस्ट्री। शी एडुकेट्स अबाउट एंड देयर पॉलिटिक्स में पता नहीं देश में परंपरा बन गई, लोग बैठ रहे हैं। कला जगत में पैर छूना उसका भाव अलग है, मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ। और उसमें भी जब कोई बेटी मैं सुनना चाहूंगा आपके विषय में। अनसॉरी, मुझे हिंदी समझ कर सकती हूँ बट बोलने के लिए थोड़ा मुश्किल है। आपको जो मर्जी पड़े बोलो। I would really like to appreciate our honorable Prime Minister for the fact that he have taken up Tamil in a lot of stages and you said like Tamil. So I must start with Vanakkam. Yeah, Vanakkam. So really grateful for that. I always felt like it lacks a national platform which you brought here. So I'm really grateful for that, sir. I'm so honored, I'm just shaking, I don't know what to say. Thank you, sir. आपको अनुभव क्या आ रहा है जब आप, क्योंकि इतिहास, you know, history and politics are like interconnected, so it's like I get a lot of tool also, but that's fine. It's just share with the facts about teenager का जो ग्रुप है जो सबसे ज्यादा अपना समय यहाँ बिताता है, मतलब आप लोगों के लिए उनको कौन सी चीजें ज्यादा अपनी है? चैलेंज लेकर नई राह बनाने वाले ये अवार्ड जिसके विनर है रणवीर अलहबारिया, फोकसेस ऑन फिटनेस, स्पिरिचुअलिटी एंड लाइफ स्टाइल थ्रू हिज द रणवीर शो। आज भी कुछ फिटनेस का मंत्र देंगे लोगों को, योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। फिर तो ये लोग कहेंगे कि मोदी जी की बात बता रहा है। कहेंगे तुम बीजेपी वाले हो गए हो। मोदी जी शायद यूथ की बातें कर रहे हैं तो पूरा यूथ भी मेडिटेशन कर रहा है। आप बस वही बात फिर से कह रहा हूँ मैं। कभी आप, मैं अब
वो पूरी तरह तो फॉलो कभी किया नहीं बहुत कठिन होता है, मुझे खुद को 50 साल छोटा करना पड़ेगा तब जाकर के आपके साथ थोड़ा वेवलेंथ बैठेगा। मैं पीछे पूछा क्या नींद के समय में आपको कार्यक्रम कर रहे कभी कभी एलियंस येटीज के सपने आते हैं? नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सचमुच में नींद की बहुत उपेक्षा होती है, जबकि पूरी दिनचर्या में पहला टाइम टेबल मैं बहुत उल्टा बता रहा हूँ आज, क्योंकि मैं उसका भुक्तभोगी हूँ। मैं नींद के समय में बहुत ही इनडिसिप्लिन, मैं बहुत कम सोता हूँ, सब लोग मुझे डांटते रहते हैं और कई सालों से मेरी बीमारी आ गई है, मैं बहुत कम सोता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ लोग पूरी नींद लें, सोते रहे समय नहीं चाहता जगाना लोगों को जगाने मेरा काम है, लेकिन नींद के संबंध में ज्यादा उतने जागृत नहीं है, कभी उस पर सोचिए ना। योग निद्रा अलग है जी, वहां मत ले जाइए। देखिए योग निद्रा वो विषय है जो नॉर्मली नींद से कठिनाइयां है नहीं पाप हो पाते, तो नींद योग निद्रा हमारी लाइफ स्टाइल है, आपका यही मिशन है ना? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमसे है और अहमदाबादी है तो वेस्ट का बेस्ट कैसे बनाना इसमें एक्सपर्टाइज होता है। अहमदाबादी लोग एक भी चीज फालतू छोड़ते ही नहीं है। धन्यवाद जी, माइक दे दीजिए क्योंकि वो काम आएगा। Bhagavad Gita and Ramayana in insightful manner. बहुत बहुत बधाई आपको। चलिए, आपने लोगों को आध्यात्मिक दुनिया की तरफ बड़ी आधुनिक तरीके से रुचि फैलाई है। बताइए कुछ। जी मैं कथाकार हूँ, श्रीमद् भागवतम करती हूँ और गीता जी के ऊपर बातें करती हूँ, क्योंकि मेरा बचपन इन्हीं चीजों से गुजरा है और जो बदलाव मुझ में आया है, चाहे शांति, सुकून, खुशी, हर चीज़ को लेकर। और सबसे बड़ी बात क्योंकि हमारी सोच है कि भगवान से जुड़ना तो बुढ़ापे का काम है, और मुझे लगता है सबसे गलत सोच है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अध्यात्म की ज़रूरत युवाओं को है। और अगर मैं मटेरियलिस्टिक लाइफ के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन जी सकती हूँ तो मुझे लगता है हर युवा जी सकता है। लोगों को डर लगता है अध्यात्म मतलब झोला लेकर चले जाना, आप उसको रास्ता बता। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है श्रीमद् भगवत गीता, और वो एक ऐसे व्यक्ति को सुनाई जा रही है अर्जुन, जो आगे जाके राजा बनने वाले हैं, और राजा से ज्यादा ऐश्वर्य किसी के पास नहीं होता। और गीता में भगवान ने एक बार भी श्री कृष्ण ने नहीं कहा कि राज्य छोड़ दो, बस कहा अपना धर्म पूरा करो जहां भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। And now the most impactful Agri Creator Award. This award goes to Lakshya Dabas. I invite his brother Viral Dabas to receive the award on his behalf. Krishi ko lekar innovative technique se kaise hum krishi ko samriddhi kar sakte hain? Bahut bahut shukriya is bachche ko lane ke liye Gurunand sir. Main Viral Dabas. Hum jaivik ke saath hain. देश की जरूरत जरूर थी 1970s में कि एक ग्रीन रेवोल्यूशन आया गया, लेकिन उसके बाद देश बढ़ा और आज देश की जरूरत जैविक खेती की है, जिसमें कोई रसायन, कोई पेस्टिसाइड हमारे खाने में जो जहर हम डालते हैं वो ना डाला जाए। इसी संदर्भ में हमने 30,000 से ज़्यादा किसानों को अपने खेत में बुला के, हम जड़खोड़ खेत से बिलोंग करते हैं जो दिल्ली सोनीपत बॉर्डर में है, बुला के कैसे जैविक खेती की जाती है, किस तरह कीटों से बचाया जाता है, उस संदर्भ में उनको सिखाया है। अगर हम सरसों का तेल निकालते हैं तो एक स्पेलर यूनिट नहीं, जो प्राचीन समय में कच्ची खानी का तेल हुआ करता है। अगर हम गाय पाल रहे हैं
जर्सी एचएफ नहीं, जो हमारी देसी गाय है, गिर है, सहवाल है, थारपारकर है, राठी है, क्यों उसको ही हमें ज़्यादा सेवा करनी चाहिए? उसके दूध में और उसका जो घी बनता है, क्या उसमें ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट होता है और हमारे शरीर के लिए क्यों वो ज़्यादा ज़रूरी है? इसी संदर्भ में हमारा उद्देश्य रहता है। और देखिए लक्ष्य, आप स्वयं तो एक मिशन बोर्ड में इस काम को कर रहे हैं, लेकिन आज आपका यहाँ आने से इनको भी और देश को पता चलेगा कि ऐसे नौजवान, जबकि दुनिया कुछ अलग सोचती है, ये अलग सोच रहा है। लोग लक्ष्य की मजाक उड़ा दोगे, क्या यार तुम ये गाय वाय बैठे हुए हो, उसके बाद भी वो उसको समर्पित है। आप कभी गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी से मिले हैं? तो मैं आपसे आग्रह करूंगा एक बार उनके साथ बैठ के, वो एक मिशन बोर्ड में ये नेशनल पार्टी के काम करें, कुरुक्षेत्र में उनका एक काम भी है, और गुजरात में करीब उन्होंने 3 लाख किसानों को नेचुरल फार्मिंग की तरफ ले गए हैं, और जो उसके रिजल्ट आए हैं बहुत ही एनकरेजिंग है। दूसरा, लोगों में भ्रम है जिसको आप ठीक कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग दोनों अलग है। कुछ लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक अवार्ड, और इस अवार्ड के विनर हैं जानी मानी गायिका मैथिली ठाकुर। आप ऑफिशियल सॉन्ग जोड़े हैं और आप पारंपरिक लोकगीत के माध्यम से विभिन्न भाषाओं में, विभिन्न भारतीय भाषाओं में गाती हैं और हमारे देश की समृद्ध संस्कृति को सामने प्रस्तुत करती हैं। मैथिली ठाकुर, बात तो सुनाई दो और क्या, क्योंकि लोग मेरा सुन सुन के थक जाते हैं। बिल्कुल सर, सबसे पहले थक जाते हैं ना? नहीं 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 नहीं, मतलब बिल्कुल, मैं आपको सुनाती हूँ। और सबसे पहले सभी लोगों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। शिव जी का रोहन कर रहा है जी। जी सर, हिंदुस्तान देखा नहीं है, और मैं हैरान हूं कि भारत के दक्षिण भारत की भाषाओं के गीत इतना तेजी से ग्राफ करती है। और अभी पिछले दिनों यहां आई थी तो मेरा मिलना हुआ, उसने तमिल में मुझे शिव है सुना, और संगीत की क्या ताकत होती है, कोई भाषा उसको मालूम नहीं जर्मनी के सिवा, लेकिन अद्भुत प्रभाव पैदा करती है। आपको भी वो परमात्मा ने कृपा दी है, आपने साधना भी की है, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तस्वीर लेनी है कैसा? अच्छा, सेल्फी के बिना नहीं करता। किरी पॉल फ्रॉम तंजानिया एंड कैसेंड्रा मेस पिटमैन द जर्मन सिंगर,
And we have one more award winner in this Best International Creator category, and he is Drew Hicks. तो आप हिंदी भी बोलते हैं, बिहारी भी बोलते हैं। यहाँ लोग बिहारी सुनना चाहेंगे। मैं इतना नर्वस फील कर रहा हूँ कि लगता है भोजपुरी, हिंदी, इंग्लिश सब बोल गया मैं। जो भी बोल सकते बोल लीजिए। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ धन्यवाद अवार्ड के लिए, और मैं बस लोगों को खुश करना चाहता हूँ और भारत का नाम रोशन करना चाहता हूँ, और इसमें मैं सक्सेसफुल हूँ तो मैं खुश हूँ। ये चैलेंज कैसे आपको, कैसे इस तरफ रुचि बनी और कैसे आपकी जिंदगी यात्रा शुरू हुई? मेरा पापा एक्चुअली PHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया था, तो मैंने बचपन में कुछ टाइम वहीं पे बनारस में स्पेंड किया, और फिर पटना में वो एक्चुअली मिथिला पेंटिंग्स का भी बिजनेस में था कुछ टाइम। अच्छा। हाँ, तो फिर उसके बाद बचपन के बाद मैं वापस US गया, बट US में मन नहीं लगा, मेरे को लगा मुझको जल्दी घर वापस आना है। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामना, आपका एक वाक्य भी इस देश के नौजवानों के लिए बहुत इंस्पायर करेगा। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। और हमारे देश की टूरिज्म पोटेंशियल को सामने लाने वाले बेस्ट ट्रैवल क्रिएटर अवार्ड के विनर हैं कामयान चानी, द फाउंडर ऑफ कर्ली टेल्स। हमारे देश के कई ऐसे पहलुओं को सामने रखा है जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड रहे हैं। सो द ब्यूटी ऑफ इंडिया हैज बीन शोकेस्ड बाय हर इन हर वीडियोस। दैट्स कामयान चानी। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। मुझे घूमने का बहुत शौक है, और मुझे लगता है कि जब हम ऑफिस से थके आ रहे आते हैं या भी घर पूरा काम करते हैं, वीकेंड्स में हमें एंजॉय करना चाहिए। जो इतनी ब्यूटीफुल नेचुरल ब्यूटी हिंदुस्तान में है वो एंजॉय करनी चाहिए, और मुझे लगता है भारत सबसे ज्यादा खूबसूरत देश है, और यही ऑब्जेक्टिव है कि ग्लोबल मैप पर भारत नंबर वन पर हो बस। और फिलहाल कंफ्यूज हूँ, लक्ष्मीदीप जाऊं या द्वारका। द्वारका आपको काफी नीचे जाना पड़ेगा, लेकिन वो मेरा अनुभव बहुत ही अद्भुत था। खैर, उसकी बात कभी फिर करूंगा, लेकिन मैं नहीं मानता अब सब टूरिस्टों के लिए कितना सुविधाजनक होगा। लेकिन अब जैसे मैं आदि कैलाश गया, आदि कैलाश हमारा काफी उच्च टॉप पर है, और दूसरी तरफ मैं यहां द्वारिका में काफी मीटर नीचे चला गया पुरानी द्वारिका के। आप ये जब भारत के धरोहर का परिचय करवाते हो, तो मैं एक विषय दो विषय लेकर इन दिनों चल रहा हूं, उसमें आप जो क्रिएटर्स होते हैं मदद कर सकते हैं। एक हमारे लोग क्या करते हैं, जैसे कहीं चले गए सोमनाथ, तो बस में ट्रेन में अपनी कार से उतरेंगे, भागेंगे, और जैसे भगवान अभी कहीं जा रहे हैं तो पकड़ो, उनके दिमाग में यही रहता है दौड़ो पकड़ो, और फिर एक बार देख लिया तो इधर छुट्टी। मैं कहता हूं ऐसा क्यों करते हो, जहां जाते हो कम से कम एक रात रुकिए। टोटल जो आपका बजट है, टूर ट्रैवल का टोटल बजट है, कम से कम 5% 10% लोकल कुछ न कुछ चीज खरीदिए, लोकल प्रोडक्ट। अब फिर आप कहेंगे नहीं हमने पानी पूरी खरीदी थी, ऐसा नहीं। खाना वाना तो कंपलसरी है खाएंगे, लेकिन कोई वहां की प्रोडक्ट, क्योंकि हमारे देश की जो ये भी एक सामर्थ्य है, और वहां की इकोनॉमी को बहुत बड़ा बल मिलता है। अब जैसे मान लीजिए आप बद्रीनाथ गए, और वहीं से थोड़ा एक 5 किलोमीटर दूर मणा गांव गए, और मणा गांव से हैंडीक्राफ्ट हो गया, तो हिंदुस्तान का वो पहला गांव, उसके बाद चाइना आ जाता है, वो पहला गांव वहां के कुछ चीजें खरीद करके अपने गांव ले जाओगे, देश की एकता को हमेशा हमेशा बनाए रखने का काम आएगा। तो कभी आप ऐसे विषयों को भी अगर प्रमोट कर सकते हैं तो
बिल्कुल, बहुत सारे मंदिर कवर किए हैं मैंने अपने वीडियोस में, और आपका बहुत बड़ा थैंक यू क्योंकि आप सारे मंदिरों को बहुत ही नया रूप मिल चुका है, तो थैंक यू फॉर दैट. And now let's recognize the best creator in tech category. और इसके विनर हैं टेक्निकल गुरुजी के नाम से जाने जाने वाले गौरव चौधरी. आपका पहला टेक चैनल है जो 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स के मार्क को क्रॉस कर गया. And you even covered UPI in Paris. That's गौरव चौधरी. चलिए भाई, आज की दुनिया का इंसान है कुछ बताएगा हमें. चलिए शुरू करते हैं. सर, मैंने 2015 अक्टूबर में अपना चैनल शुरू किया था और उसका एक बहुत बड़ा कारण है डिजिटल इंडिया जो जुलाई के महीने में शुरू हुआ था. उससे एक साल पहले जब आपने मेक इन इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट किया तो हमने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी के फील्ड में स्पेशली इंडिया, जो हमेशा से हम जानते हैं कि हम सभी का जो टैलेंट विषय में मेरी जरूर चर्चा और भारत का जो डिजिटल इंडिया का सक्सेस है ये तो गौरव बराबर अच्छी तरह जानते हैं, दूसरी फिर भी बता सकते हैं. लेकिन मेरा एक आग्रह रहता है कि उज्जवल भविष्य के लिए हमें टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करना चाहिए. हमारा यूपीआई ये इसका बहुत बड़ा सिंबल है. ये कुछ लोगों की बकौती नहीं है, ये सबके मालिक है और दुनिया तभी आगे बढ़ेगी. कोई उसका एक बड़ा कंपनी का मालिक बन गया और दुनिया बांट रहा है, नहीं. हम उसको डेमोक्रेटाइज करते हैं और मैं मानता हूं जितना ये पहलू आपके माध्यम से पहुंचेगा कि टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने की क्यों जरूरत है, दुनिया के उज्जवल भविष्य के लिए थोड़ा सीरियस विषय लगेगा. लेकिन मैं गौरव जैसे दोस्तों से चाहूंगा कि आप इसको जरा बल दीजिए. सर, मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरणा लेकर जिन लोगों ने डिजिटल कंटेंट क्रिएट किया उनमें से चुने गए स्वच्छता एम्बेसडर हैं मल्हार कलांबे, अ नोटेड एनवायरमेंटलिस्ट जो 2017 से प्रति सप्ताह स्वच्छता अभियान चलाते रहे हैं. ये जो लोग क्रिएटर हैं उसमें कुछ लोग वो भी हैं जो क्या खाना चाहिए वो भी कहते हैं. इस पुरस्कार के लिए शुक्रिया. मैं बेसिकली एनवायरमेंटलिस्ट हूँ. हम पिछले 6.5 साल से मुंबई में स्वच्छता मुहिम चला रहे हैं आप इसे प्रेरणा लेके. पिछले 6.5 साल में मैंने एक चीज़ देखी कि लोगों को कचरा उठाने में शर्म आती है, लज्जा लगती है. कई लोगों ने मुझे कचरे वाला तक कहा है, बट मैं एक चीज़ में विश्वास रखता हूँ कि अगर देश साफ करना है तो हाथ तो गंदे करने पड़ेंगे. बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपने युवकों को बड़ी प्रेरणा दी है. अच्छी अच्छी सेलिब्रिटीज उनके साथ जुड़ती है, काफी मेहनत करते हैं और नियमित रूप से करते हैं, ऐसा नहीं टोकनिज्म करते हैं. और उन्होंने एक वातावरण बनाया है, मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ. लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा थोड़ा एक चीज कहना चाहूंगा, अपने अंकित भैया के साथ लास्ट ईयर स्वच्छ भारत ने उनके दिन क्लीन अप किया था. ये मेरी भी एक इच्छा थी कभी आपके साथ क्लीन अप कर पाऊं. वाह, थैंक यू. जरूर मौका मिलेगा. देश के समृद्ध फैशन परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए नेक्स्ट कैटेगरी हेरिटेज फैशन और इस अवार्ड के विनर हैं जहानवीर सिंह. आप पूरी तरह भारत के पारंपरिक फैशन को आगे बढ़ा रही हैं जिनमें भारत. बहुत बहुत बधाई आपको और दुनिया में भारत की चीज क्योंकि टेक्सटाइल मार्केट फैशन के साथ ही जा सकता है, वो अकेला नहीं जाता है आजकल क्योंकि रेडीमेड ब्रांड का जमाना है. और आप बड़ी मदद करिए, कुछ सुनाइए लोगों को. बहुत बहुत धन्यवाद. मेरा नाम जानवी है और सबसे पहले बहुत धन्यवाद इस पुरस्कार के लिए. और मैं चाह रही हूँ कि इस नए भारत में जो हमारी प्राचीन परंपरा है उसे अपनी संस्कृति, शास्त्र,
संस्कार और साड़ियों के माध्यम से आगे लेके जाओ। और मेरा सबसे यही अनुरोध है कि अपनी संस्कृति, शास्त्र, संस्कारों को भूलिए मत, उसे अपने साथ रखिए। आप कितने भी मॉडर्न हो जाए, हमेशा ये रूट्स आपको याद रखने चाहिए। अब दुनिया में रेडीमेड का जमाना है और मैं मानता हूं कि हमने इस प्रकार किसी को अगर गाइड कर सकते हैं, आप जैसे लोग गाइड कर सकते, जैसे अब साफा कोई मानता नहीं, रेडीमेड आता है पहन लेता है, फोटो वोटो निकल जाती है, धोती मानता नहीं कोई, रेडीमेड आता है पहन लेता है। भारतीय जो वेश है उसमें भी साड़ी कठिन काम है पहनना, अगर उस आ रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन मैं समझता हूँ वो जितना, हर एक चीज बहुत सुंदर है, तो मेरा यही प्रयास है कि मैं उसको आगे लेके जाऊँ। देखिए भारत फैशन की दुनिया में लीड रहा है, बहुत लोग हैरान हो जाएंगे अगर आज लोगों को लगता है मिनी स्कर्ट ये आधुनिकता के निशाने या पर्स ऐसे लटकाती बहने। आप अगर कोणार्क जाएंगे, सैकड़ों साल पुराने मंदिर का जो मूर्तियां बनी है उसमें आपको एक मूर्ति वो भी दिखेगी जिसमें मिनी स्कर्ट पहना है बेटी ने और हाथ में पर्स है ऐसे लटक रही है। यानी सैकड़ों साल पहले फैशन का वो नॉलेज यहाँ पर पत्थर तराशने वाले को भी था। यानी भारत की विविधताओं को हम दुनिया में ले जा सकते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं है श्रद्धा जिन्हें मशहूर है अय्यर श्रद्धा के नाम से, आप अलग अलग भाषाओं में कॉमेडी प्रस्तुत करती हैं, हास्य कलाकार। ये बाजार से सब्जी कितनी बढ़िया क्यों ना लाए, उस व्यंजन पर तड़का नहीं लगता है ना, टेस्ट नहीं आता है, तो ये हास्य की चीजें जो है वो तड़का का काम करती है जिंदगी में। और आज आपकी स्पॉन्टेनिटी ने सबको फ्लोर कर दिया है। थैंक यू। एंड नाउ लेट्स रिकॉग्नाइज द बेस्ट क्रिएटिव क्रिएटर में आरजे रोनक, जो अपने प्राइम के लिए जाने जाते हैं, अपने ह्यूमर, अपनी आवाज के लिए जाने जाते हैं और अलग अलग टॉपिक्स पर बेहतरीन डिजिटल कंटेंट तैयार करने वाले आरजे रोनक। आरजे कैसे हो भैया? रोनक ने ही आरजे नाम पॉपुलर कर दिया। सर मुझे लगता है कि आपने भी रेडियो को पॉपुलर कर दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अक्सर जब मैं रेडियो में प्रोग्राम करता हूँ और लोगों से रेडियो के बारे में बात करता हूँ, और मुझे अच्छे से याद है जब मन की बात प्रोग्राम शुरू होने वाला था तब हमने यही कहा था कि हमारी इंडस्ट्री में और एक व्यक्ति आ रहे हैं, हमने इतने सालों से काम किया लेकिन शायद वो फर्स्ट डे से ही सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देंगे, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू जी। और सारी रेडियो फ्रेटर्निटी की तरफ से मैं आपको धन्यवाद कहूंगा क्योंकि शायद यहाँ पर रेडियो का मैं इकलौता हूँ आपके अलावा जिसको ये अवार्ड मिल रहा है। बहुत लोग होंगे जो भी दुनिया में होंगे और मैं पक्का मानता हूँ कुछ लोग तो अपने गीत खुद ही रिकॉर्ड करते होंगे, फिर खुद सुनते होंगे और घर में अगर माँ से मिलूंगा तो मैं उनसे बहुआ के स्टाइल में वही कहूंगा जो मैंने बहुत सारे हजारों लोगों को कहा है, सो नमस्ते सर, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। And now to the best creator in food category, and the award goes to Kavita's Kitchen. Ek housewife jo ban gayi digital entrepreneur of India. Kavita ji, bahut bahut badhai aapko. वो जो मल्हार है ना, अब उसको कुछ सिखाइया। और मैं खाना बनाना सिखाती हूँ लोगों को, और मैं चाहती हूँ कि घर के मतलब जो फैमिली मेंबर है वो घर के हर मेंबर को खाना बनाना सिखाए, क्योंकि कोविड के टाइम पे हमें पता चल गया कि खाना बनाना कितना जरूरी है सीखना, तो पढ़ाई के साथ साथ इसको भी हम अपनी लाइफ स्किल पे ऐड करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और साथ में मैं चाहती हूँ कि जैसे स्कूल वगैरह में हम बच्चों को बाकी चीज़ें पढ़ाते हैं, तो उसके साथ अगर हम एग्रीकल्चर भी सिखाएं तो बच्चों को ये इटालियन कहाँ मिलेगा, और अगर वो कुल्लू मनाली जाएंगे तो यार गुजराती डिश कहाँ मिलेगा।
लेकिन आपने देखा होगा हमने 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर के रूप में दुनिया में पॉपुलर किया। हमारे यहाँ परंपरागत रूप से मिलेट खाया जाता था, लेकिन आज हमारे डाइनिंग टेबल पर से वो खो चुका। खाने में बनाने के तरीके, दिखने का तरीका, लेकिन उसके साथ साथ अब न्यूट्रिशनल वैल्यूज की अवेयरनेस, उसमें आप क्या करें। मैं कहना चाहूंगी कि जैसे बच्चे, उनको फैंसी फूड पसंद होता है, तो अगर हम उसमें ज्वार, बाजरा, रागी ये सब लोर मिला के, जैसे मैं सुबह दूध की मलाई बचती है तो उसमें बनाना मैश करके डाल देती हूँ, थोड़ा रागी ज्वार फ्लोर काजू किशमिश क्रश करके, और उसके छोटे छोटे ऐसे पैनकेक बना देती हूँ, तो बच्चों को पता नहीं चलता, उनको लग रहा है कि बहुत मीठा है और अच्छा है। तो बच्चों के स्वाद के हिसाब से हमें खाने में थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। और ये जो मिलेट है वो हम अपनी लाइफ में, आजकल डाइटिशियन डॉक्टर सब बोलते हैं कि मिलेट्स खाना हमारे लिए अच्छा है, हम वापस उसी जनरेशन में जा रहे हैं जहाँ से हम शुरू किए थे। मैं अभी यूएस में, मुझे निमंत्रित किया गया थी, तो मिलेट हम सबको अपने फूड में इंक्लूड करना चाहिए। और ये आपके बात सही है कि बच्चों को उसमें रुचि बननी चाहिए। मैं याद है सर, मैं बच्चा नहीं था, मैं ताइवान गया था बहुत साल पहले, जब मैं मुख्यमंत्री भी थी, और मेरा कोई 10 दिन का कार्यक्रम, वहां की सरकार ने मुझे बुलाया था, मेरे यहां से गया आइटनरी के साथ, नो फिश, नो एग्स, नो मीट, सब नो 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 नो, तो उनके लिए परेशानी से लाए क्या उसको। फिर मेरे साथ जो उनके कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने कहा कि साहब यहाँ एक बुद्धिस्ट रेस्टोरेंट है जो वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट करते हैं, तो हमने आपके लिए वहां अप्लाई कर लिया है, अब क्योंकि और कहीं पर भी आपके लिए वेजिटेरियन मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने कहा चलिए, आपकी बहुत बड़ा सर से धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मेरी सेवा की। अब मैं गया, सब मैंने देख, उन्होंने शोकेस किया हुआ था ऑर्डर देने के लिए, मैं देखते ही चौंक गया, क्योंकि किसी को दिखता था चिकन जैसा, कोई दिखता था फिश जैसा, कोई मटन की सारी चीजें दिखती थी। मैंने कहा यार तुम यहाँ कहाँ ले आए मुझे, तो सर नॉन वेज। तो फिर मुझे उन बुद्धिस्ट जो लोग थे उन्होंने समझाया था, यहाँ के लोगों को वेजिटेरियन की तरफ ले जाने के लिए हम वेजिटेरियन चीजों का शेप ऐसा बनाते हैं ताकि वो मेंटली पहले प्रिपेयर हो। और आप भी कभी ताइवान जाए तो आज भी वो रेस्टोरेंट है, खैर मैं तो उसको देख करके मनावरण करके मालूम है। इस बात का मैं ध्यान रखूंगी अपने छोटी वीडियो में कि जो लिखने में, पोषण के लिए जितना ज्यादा बल दे सके मैं समझता हूँ ज्यादा अच्छा होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। वाह, नमस्कार। And now the best creator in the education category और इस पुरस्कार के विजेता हैं टेक प्लस गैजेट्स के लिए जाने जाने वाले नमन देशमुख। नमन टेक्नोलॉजी, गैजेट्स, फाइनेंस, सोशल मीडिया, मार्केटिंग जैसे विषयों को कवर करते हैं, सामान्य भाषा में तकनीकी विषयों पर शिक्षित करते हैं। आपको नमन। बताइए नमन। पहली बात तो प्रधानमंत्री जी थैंक यू सो मच इस पुरस्कार के लिए। मैं एक्चुअली टेक रिलेटेड या फिर जो भी अवेयरनेस होती है उस रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, लोगों को अवेयर करता हूँ। जिस तरीके से इंडिया में टेक्नोलॉजी या फिर बाकी की चीजें बढ़ रही हैं, उस तरीके से बहुत सारे स्कैम्स भी बढ़ते जा रहे हैं, जहाँ पे कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो शायद अपना बैंक अकाउंट तक खाली करवा देते हैं कुछ स्कैम्स के कारण भी हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, तो उसकी अवेयरनेस वगैरह पे हम लोग जो है वीडियो बनाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि एक प्रकार से लोगों को जगाने का काम है। अदरवाइज लोग अच्छे से अच्छा मोबाइल खरीदने के तो शौकीन है, लेकिन सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए क्या क्या करना चाहिए कुछ पता ही नहीं होता। की दुनिया में जाना चाहिए और ये आप लोग जो क्रिएट करते हैं चीजें, हमारे बच्चों को साइंटिफिक दुनिया में जाने के लिए प्रेरित करने वाली जितनी चीजें करेंगे बहुत बड़ी सेवा होगी।
प्रधानमंत्री जी, मैं ये आपकी जो बात है वो जरूर मतलब उस चीज पे भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ फॉर श्योर। और जितनी भी चीजें होती है, जितना भी हम वीडियो बनाते हैं अवेयरनेस को लेके, मैं इस चीज को लेके बहुत ज्यादा खुश होता हूँ कि लोग एजुकेशन के प्रति बहुत ज्यादा आज के टाइम पे आगे बढ़ते जा रहे हैं और लोग सीखना चाह रहे हैं। तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहाँ पे लोग अच्छे तरीके से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो जो आपका सजेशन है उसके लिए मैं 100% काम करने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। जो अपने 75 हार्ट चैलेंज के लिए बहुत मशहूर हुए और आप फिटनेस के साथ साथ अध्यात्म को भी जोड़ते हैं, अंकित बयानपुरिया। अंकित हाय राम, हैं? बताओ जरा अपना वाक्य। राम राम भाई सारे ने बहुत बहुत बधाई, सुनाइए सबको और चैलेंज भी दे दीजिए। चैलेंज तो यो है भाई, मतलब डेली वर्कआउट करना आप कुछ भी काम करते हो, क्योंकि नुगायरा दुनिया में ढाई सुख है, पहला सुख निरोगी का है, दूसरा अच्छी नींद और आधे मा जा और बच्चा उठ सब कुछ। तो भाई पहला सुख निरोगी का है, तो अपनी हेल्थ ही काम करो, चाहे आप कोई भी काम करते हो थोड़ा बहुत टाइम अपने नहीं काटो सको। बहुत बहुत बधाई। और गेमिंग क्रिएटर कैटेगरी के विजेता है ट्रिगर इंसान के नाम से जाने वाले निश्चय। आप यूट्यूबर हैं, लाइव स्ट्रीमर हैं, गेमर हैं और आपकी कमेंट्रीज के लिए बहुत फेमस हैं। निश्चय बहुत बहुत बधाई। सुनाइए कुछ ट्रिगर हो जाए। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर दिस अवार्ड पीएम सर, एंड मैं जेन्युइनली इतना ज़्यादा नर्वस हूँ, मैंने कुछ नहीं सोच रखा था, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे आके कुछ बोलना पड़ेगा। जब मैंने देखा सब आके कुछ बोल रहे हैं, तब से मैं सोच रहा था, लिख रहा था फ़ोन पे कि क्या बोलूँगा, एंड अभी भी नहीं पता क्या बोल रहा हूँ। बस एक चीज़ बोल रही थी कि गेमिंग कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है, तो उसके लिए बस थैंक यू बोलना था सर कि गेमिंग को भी रिकग्निशन मतलब मिल रही है, एंड इट्स अ बिग थैंक यू। थैंक यू मच। And the next category, best micro creator. और इस कैटेगरी के विनर है अरे दमन, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी और एंशियंट इंडियन विजडम पर काम करते हैं। आप आध्यात्म पर काम करते हैं और ज्योतिष पर काम करते हैं और सबको प्रेरणा देते हैं। ओहो भैया झुको मत। बहुत बहुत बधाई। तो आज क्या कार्यक्रम है? आज का बस यही कार्यक्रम है। नहीं, इसलिए ये सारे लाइन लगा के खड़े रह जाएंगे, क्योंकि ज्योतिष ऐसी चीज है कोई भी हाथ दिखाता है। मैं अपना बचपन का एक अनुभव बताता हूँ। मैं ट्रैवलिंग करता था बहुत, और कभी आरक्षण रिजर्वेशन तो कोई सोचता ही नहीं, भीड़ बहुत होती थी अनरिजर्व डिब्बे में। तो मैं क्या करता था, देखता था कि हाँ थोड़ा मौका है, तो मैं किसी का हाथ पकड़ के शुरू करता देखना। तुरंत लोग मेरे लिए स्वीट की व्यवस्था करते हैं। शत्रु भी होते हैं, परंपराओं के शत्रु भी होते हैं, रहन सहन के शत्रु भी होते हैं, और मैं समझता हूँ कि जितनी हद तक हम इन शत्रुओं का निवारण कर सके उतना ही अच्छा है, और मैं इस अपने नाम को सार्थक करने के लिए उस लक्ष्य की तरफ अग्रसर हूँ। और माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, आप सभी के आशीर्वाद से मैं इस पर आगे बढ़ता रहूँ, ऐसी मेरी आशा है। बहुत बहुत शुक्रिया। नैनो क्रिएटर अवार्ड, और इस अवार्ड के विजेता है देवभूमि उत्तराखंड के चमोली जिले के पीयूष पुरोहित। पीयूष जो स्थानों के, लोगों के और उन क्षेत्रीय त्योहारों के बारे में बताते हैं जिनके बारे में लोगों को बहुत कम पता होता है। जोरदार तालियां पीयूष पुरोहित के लिए। बधाई हो। सुना सर, मैं उत्तराखंड से हूँ और चमोली। चमोली से हो सर। मैं उत्तराखंड की पुरानी परंपरा होती है उनको प्रमोट करने की कोशिश करता हूँ, और मतलब अलग तरीके थोड़े वी एफएक्स वगैरह एडिटिंग वगैरह से उसे थोड़ा और एंटरटेन करने की कोशिश करता। जैसे कि उसमें थोड़ा वी एफएक्स यूज कर लिया, जैसे वीडियोज में वी एफएक्स होता है विजुअल, और
मैंने मन की बात में एक बार लोगों को अपील किया था किसी और राज्य के गीत को गाइए, और चमोली का जो गीत है वो केरल के बच्चियों ने स्कूल में गाया था, बहुत पॉपुलर हो गया, शायद आपने वायरल देखा होगा उसको। चमोली का वो गीत बड़ा फेमस है, लोगों के स्वागत के लिए गाया जाता है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। हाँ कहिए। अच्छा एक उद्यमी के तौर पर अपनी सफलता और अपने इनोवेटिव बिजनेस स्ट्रेटजीज के लिए मशहूर शार्क टैंक इंडिया में भी शामिल अमन गुप्ता। अमन बहुत बहुत बधाई हो, चल आप तो अब सक्सेसफुल आए अपने जीवन में भी और दुनिया को भी दिखा रहे हो, जरा बताइए। तो सर 2016 में जब स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया आया था, हमने अपनी कंपनी स्टार्ट करी थी सर, वो तो जब हमने स्टार्ट करी थी तो लोग बोलते थे कि ये क्या कर लेंगे, यू नो ऐसा छोटा सा ब्रांड है, कुछ नहीं कर पाएंगे। और आज सर 2024 सात साल बाद सर वी आर वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट सर, तो विश्व सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन। तो 2021 में सर कोविड आया सर, हमारा सारा सामान इंडिया के बाहर बनता था सर। 2021 में आपने मेक इन इंडिया स्टार्ट किया सर, यहाँ पहन के घूमते हैं सर प्राउडली हम। और सर आज की डेट सर 70% ऑफ आर प्रोडक्ट्स आर नाउ मेड इन इंडिया सर। तो सर अभी अगला हमारा बस यही विजन है सर कि इंडिया से कोई ब्रांड, अच्छा ब्रांड इंडिया से बाहर जाए, और जैसे यहाँ पे जब कोई फिरंगी प्रोडक्ट आता है और लाइन लगती है, हम चाहते हैं फिरंगी भी हमारा प्रोडक्ट लाइन लगा के खरीद। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी, पुरस्कार प्रदान करेंगे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दोनों जजेज और भी दो लोग थे लेकिन वो बाहर है, मैं जजेज का बहुत धन्यवाद करता हूँ, इतने शानदार लोगों को परिचय करवा दिया आपने, बहुत बहुत बधाई आपको। रूपाली गांगुली जी और प्रसून जोशी जी, आपसे अनुरोध, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें, आपका बहुत बहुत आभार। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणादायक शब्द हमें लगातार हमारा मार्गदर्शन करते रहे हैं, और आज के इस अवसर थोड़ी सी वाइफ भी तो चेक हो जाए। इस कार्यक्रम में उपस्थित मंत्रिपरिषद के मेरे साथी अश्विनी वैष्णव जी, जूरी मेंबर्स भाई प्रसून जोशी जी, रूपाली गांगुली जी, देश के कोने कोने से यहां उपस्थित सभी कंटेंट क्रिएटर्स, देश के कोने कोने में इस आयोजन को देख रहे हैं मेरे सभी युवा साथी और सभी अन्य महानुभाव, आप सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन है, और आप वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जगह बनाई है, और इसलिए आज उस जगह पे आप हैं भारत मंडपम। और भारत सिंबल भी क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है आते ही, और यही जगह है जहां G20 से सभी मुखिया यहां
इकट्ठे हुए थे और आगे की दुनिया कैसे क्रिएट करनी इसकी चर्चा कर रहे थे, और आज आप लोग हैं जो भारत का भविष्य कैसे क्रिएट करना है उसकी चर्चा करने के लिए। साथियों, जब समय बदलता है, टाइम चेंज होता है, जब नए युग की शुरुआत होती है, तो उसके साथ कदम से कदम मिलाना ये देश का दायित्व होता है। आज भारत देश अपने उस दायित्व को पूरा कर रहा है। ये आयोजन नए दौर को समय से पहले पहचान देने का आयोजन है। और कुछ लोग मुझे कभी कभी पूछते हैं कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है, ऐसा मुझे पूछते हैं। मैं हरे को जवाब नहीं देता, कोई रेस्टोरेंट वाला अपना किचन दिखाता है क्या? लेकिन आपको मैं बता दूं, ईश्वर कृपा है, मैं समय से पहले समय को भांप सकता हूं। और इसलिए ये पहला ऐसा अवार्ड है जो शायद आने वाले दिनों में बहुत प्रमुख स्थान लेने वाला है। ये इस नए युग को एनर्जाइज कर रहे आप सब युवाओं को सम्मान देना, क्रिएटिविटी को सम्मान देना, और समाज की रोजमर्रा की जिंदगी के प्रति जो संवेदनशीलता है उसको सम्मान करने का अवसर है। भविष्य में ये अवार्ड कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बनेगा, उनके काम को एक बहुत बड़ी पहचान मिलने वाली। आज जिन्हें नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड मिले हैं, मैं उन विजेताओं को तो बधाई देता ही देता हूं, पर जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, क्योंकि बहुत कम समय मिला था, हम ज्यादा इस चीज को पॉपुलर भी नहीं कर पाए थे, और मैं नहीं चाहता था कि मैं इसमें और समय गंवाऊं, लेकिन जल्दी जल्दी में भी, इतने कम समय में भी 1.5-2 लाख क्रिएटिव माइंड्स इसके साथ जुड़ जाए, ये मेरे देश की भी एक पहचान बना देगा। साथियों, आज एक और पवित्र संयोग है, ये पहला नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड महाशिवरात्रि के शुभ दिन पर आयोजित है। और मेरे काशी में तो काफी शिव जी के बिना कुछ नहीं चलता है। भगवान शिव भाषा, कला और क्रिएटिविटी के जनक माने गए। हमारे शिव नटराज, शिव के डमरू से माहेश्वर सूत्र प्रकट हुए हैं। शिव का तांडव लय और सृजन की नींव रखता है इतिहास, और इसलिए यहां जो क्रिएटर्स हैं उनके लिए नए सर्जक मिल जाएंगे। महाशिवरात्रि के दिन यह आयोजन अपने आप में बहुत बड़ा सुखद संयोग है, और मैं आपको भी और देशवासियों को भी महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। फ्रेंड्स, आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी है, लेकिन मैं देख रहा हूं पहली बार पुरुष
ताली बजा रहे वरना उनको लगता हमारा तो कोई डे आता नहीं। आज जो अवार्ड मिले हैं उनमें भी बहुत सारी बेटियां मैदान मार गई हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूं। और भी मैं देख रहा हूं क्रिएटिव वर्ल्ड में हमारे देश की बेटियां बहुत बड़ी मात्रा में सबको देख रहा हूं, मुझे बहुत गर्व हो रहा है आप लोगों को देखकर। मैं देश की सभी महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को इंटरनेशनल विमेंस डे की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज ही मैं अभी आप तो यहां बैठे हैं, मैं गैस सिलेंडर का 100 रुपया कम करके आया हूं। साथियों, किसी भी देश की झंडी में किसी एक और इसलिए भी आप बधाई के पात्र हो। आज के इस अवार्ड फंक्शन का क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो भारत के मेरे युवा मन को, हर डिजिटल कंटेंट क्रिएटर को जाता है। साथियों, भारत का हर कंटेंट क्रिएटर एक और बात को रिप्रेजेंट करता है। हमारे युवाओं को अगर सही दिशा मिले तो वो क्या कुछ नहीं कर सकते। आपने कंटेंट क्रिएशन का कोई कोर्स नहीं किया है ही नहीं तो क्या करोगे। पढ़ाई के टाइम करियर सेलेक्ट करते हुए ये सोचा भी नहीं होगा कि हम कंटेंट क्रिएटर जैसा कुछ बनेंगे, लेकिन अपने भविष्य को पहचाना, फ्यूचर को देखा और ज्यादातर लोगों ने वन मैन आर्मी की तरह काम शुरू कर दिया। ये सरकार को देखिए, खुद अपना मोबाइल लेकर के बैठ जाते हैं। अपने प्रोजेक्ट में आप ही राइटर, आप ही डायरेक्टर, आप ही प्रोड्यूसर, आप ही एडिटर, यानी आपको ही सब कुछ करना होता है। यानी एक प्रकार से इतनी टैलेंट एक जगह पर जमा हो जाए और फिर वो जब प्रकट हो तो उसका सामर्थ्य कितना हो सकता है अंदाजा लगा सकते। आपने आइडियाज गढ़े, इनोवेशन किए और उन्हें स्क्रीन पर जीवंत बनाया। आपने दुनिया को न केवल अपनी क्षमता से परिचित करवाया, आपने जो हिम्मत दिखाई उसी के कारण आज आप सब यहां पहुंचे हैं और देश बड़ी आशा के साथ आपको देख रहा है। आपका कंटेंट आज पूरे भारत में जबरदस्त इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है। आप एक तरह से इंटरनेट के MVP ठीक है ना। थोड़ा दिमाग लगाओ, क्रिएटिविटी बताओ अपना। जब मैं आपको MVP कहता हूं मतलब मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन बन गए। साथियों, आप सभी जानते हैं कि जब कंटेंट और क्रिएटिविटी आपस में कोलैबोरेट करते हैं तो इससे एंगेजमेंट बढ़ती है। जब कंटेंट डिजिटल से कोलैब करता है तो ट्रांसफॉर्मेशन आता है। जब कंटेंट पर्पज से कोलैब, आप लोगों से कोलैब रिक्वेस्ट करती है। साथियों, एक जमाने में हम छोटी से छोटी दुकानों पर लिखा देखते थे कि यहां बहुत टेस्टी फूड मिलता है, ऐसा देखते थे ना। कोई भी कहे वहां क्यों खाना, तो बोले टेस्टी फूड है।
लेकिन आज हम देखते हैं कि दुकान वाले लिखते हैं कि हाँ हेल्दी फूड मिलता है, हेल्दी फूड मिलता है। क्यों बदलाव आया? तो ये बदलाव समाज में भी आ रहा है, इसलिए कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो लोगों में कर्तव्य भाव जगाए, देश के प्रति आपके जो कर्तव्य हैं उनके लोगों को प्रेरित करें, और आपके कंटेंट का यही डायरेक्ट मैसेज हो ये जरूरी नहीं है। आप कंटेंट क्रिएट करते हुए इसका ध्यान रखेंगे तो इनडायरेक्टली भी उसमें जरूर जलेगा। आपको ध्यान होगा लाल किले से मैंने बेटियों के अपमान का विषय उठाया था। एक बार मैंने ये भी कहा था पानी पीने जाना है और उसमें प्लास्टिक के बॉटल देखता है तो टाइगर मुंह से प्लास्टिक का बॉटल उठाता है और कहीं पर जगह पे छोड़ने के लिए चला जा रहा है। अब उसका मतलब मोदी किस चीज से बात पहुंचाता है, समझ गया ना? आए थे हम लोग फिर गारंटी देता हूं कि हो सका तो नेक्स्ट शिवरात्रि पर भी, या तो डेट कोई और हो सकती है, ऐसा कार्यक्रम मैं ही करूंगा। लेकिन मैं लोकसभा चुनाव का विषय उस अर्थ में नहीं लाया हूं क्योंकि मुझे भरोसा है मुझसे ज्यादा मेरे लिए आप मरते हैं और आप मेरे लिए इसलिए मरते हैं क्योंकि मैं आपके लिए जीता हूं, और जो अपने लिए नहीं जीता है उसके लिए मरने वाले बहुत होते हैं। मोदी की गारंटी नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों की गारंटी है। ये बात सही है, ये मेरा परिवार है। साथियों, मैं जो लोकसभा चुनाव की बात कर रहा था और क्रिएटिव वर्ल्ड के लोग बहुत बड़ा काम करते हैं, क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हमारे यूथ और खास करके हमारे फर्स्ट टाइम वोटर उनको हम जागरूक करने के लिए क्या कर सकते हैं? और उसको पता हो कि वोट देना यानी किसी को जिताना हराने का काम नहीं है, वोट देने का मतलब है तुम इतने बड़े देश की निर्णय प्रक्रिया के हिस्सेदार बने हो। हेलो, बहुत अच्छा। तुम देश का भविष्य बनाने वाले एक महत्वपूर्ण पार्टनर, ये उस तक पहुंचना जरूरी है जी। उसको कभी मत कहिए किसको वोट दो, लेकिन आप उसको तो जरूर कहिए कि वोट तो देना ही चाहिए। वो तय करेगा किसको देना किसको नहीं देना, वो तय करेगा, लेकिन वोट देना चाहिए ये उसको जरूर कहना चाहिए। और मैं मानता हूं हमारे देश में, दुनिया के देश जहां जैसे जैसे समृद्धि बढ़ती गई, वोटिंग पैटर्न घटती गई, दुनिया में देश समृद्ध हुए लेकिन अलग अलग व्यवस्थाओं में समृद्धि तक ले गए और बाद में लोकतंत्र की दिशा में गए। भारत शत प्रतिशत लोकतंत्र के ही दुनिया के लिए बहुत बड़ा मॉडल बन गया, लेकिन उसमें 18, 19, 20 के साथ साथियों हम अपने आंख में देखते हैं कि जो दिव्यांगजन होते हैं स्पेशल, आप बहुत ही कम नोटिस आए, आपने कुछ करके दिखाया है,
जूरी को भी बधाई देता हूँ, क्योंकि 1.5-2 लाख लोगों को एक एक बारीकी को पहुंचाना बड़ा कठिन काम है, लेकिन आने वाले दिनों में ये काम और अधिक अच्छे ढंग से, अधिक साइंटिफिक ढंग से हम कर पाएंगे। मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रेरणादायक शब्दों से हम सबको प्रेरणा मिलती है, आपका उत्साह, आपकी ऊर्जा हमें भी ऊर्जा देता है। आपके संबोधन से हम सब के लिए कुछ ना कुछ ग्रहण करने का अवसर होता है। आपका हार्दिक आभार। आप आवाज नहीं लगा रहे। देश के पहले नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स की परिकल्पना को माननीय प्रधानमंत्री जी के ही विजन के माध्यम से साकार किया गया है। विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है भारत, जिसने अपने देश के युवाओं को, डिजिटल क्रिएटर्स को पहचान दी है नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड्स के माध्यम से। हमारे डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स आज अलग अलग विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। अपने साथ साथ देश निर्माण में भी वो कैसे योगदान दे सकते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज ये मंत्र भी सबके साथ साझा किया। भारत को अपने डिजिटल कंटेंट का हिस्सा बनाकर भारत को आगे बढ़ाने का मंत्र दिया माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार। आप सबसे अनुरोध, कृपया आप अपने अपने स्थान पर बने रहें। आज माननीय प्रधानमंत्री जी सबको उठा लो। हेलो, सब इस साइड में हैं, प्लस सब इस साइड में हैं, पंप सब इस पास के, सब इस सब सभी लोग चलते रहिए। सभी लोगों से निवेदन किया जाता है, आप सभी लोग चलते।